हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो नेम रिएक्शन है उससे रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप नेम रिएक्शन को बहुत इजीली याद रख सकते हो। तो ध्यान से देखें, पहले हम बात करते हैं कोलबेज रिएक्शन के बारे में। तो देखो, कोलबेज इस नाम में ही आपका रिएक्टेंट छुपा हुआ है। कैसे, ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट किया मैंने। क्या क्या आ रहा है कोलबेज में? बी आ रहा है। बी से क्या लेना आपको? बेंजीन, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ बहन जी, समझ गए ना बात। तो बेंजीन लेना है। उसके बाद ऑल लगा हुआ है, डेट मीन्स क्या लेना आपको? अल्कोहल वाला, मतलब OH, राइट। और उसके बाद ध्यान से देखो बेस, कोलबेज को बेस पसंद है, समझ रहे हो ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको क्या लेना है? बेंजीन ले लिया, उस पर क्या लेना है? ऑल ले लिया OH, और उसके बाद क्या लेना? बेस ले लिया। तो देखो, सारा रिएक्टेंट आपका कोलबेज के नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा? तो आपको मालूम ही है, ये आपका बेस हो गया और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, वाटर बाहर जाएगा और ये सॉल्ट बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसको भी याद रख सकते हैं, वैसे PHONA लिखते हैं, राइट, फोन वर्ड से या फोना वर्ड से, जस्ट कनेक्ट करने के लिए आपके ऊपर है। तो बात समझ में आ गई कि हमारा ट्रिक का पॉइंट क्या है? कोलवेज कोह मैंने लिखा, उसका क्या मतलब है? सी डबल बॉन्ड हो, इसको बोल रहे हैं को, दोनों तरफ से सी डबल बॉन्ड हो। और हेच क्यों लगाया? क्योंकि एसिडिक मीडियम लेना है आपको। तो कोलवेज को ऑरेंज से क्या जोड़ा मैंने? ऑर्थो, डेट मीन्स ये वाला जो पोजिशन है ये ऑर्थो कहलाता है, राइट। ऑरेंज कार मतलब कार्बोक्सिलिक का कार्बन ले लिया, कार चाहिए। तो देखो एक लाइन है, कोलबेज को ऑरेंज कार चाहिए, आपका नेम रिएक्शन याद हो गया विद प्रोडक्ट। कोलबेज को ऑरेंज ऑर्थो पे क्या कर देना है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है, जिसका आयुपैक नेम होगा 2-hydroxy बेंजोइक एसिड, और जिसको प्यार से हम बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। तो हमारा कोलबेज रिएक्शन का राइमिंग वर्ड क्या हो गया? ध्यान से देखो, कोलबेज को ऑरेंज कार चाहिए, कोलबेज में ही पूरा रिएक्टेंट छुपा हुआ है। को जो आगे वाला रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ऑरेंज मतलब ऑर्थो पे, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, आपका प्रोडक्ट हो गया तैयार। नेक्स्ट नेम रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन। तो इसके ट्रिक में जाने से पहले मैं आपको कहानी बता दूं, क्यों? क्योंकि कहानी में सच्चाई है कि रिमर नाम का बंदा जो है वो टाई बनाने वाले के पास, टाई जो पहनते हैं, टाई बनाने वाले के पास गया और उसको बोला कि हमें टाई बना के दो। तो टाई वाले बंदे ने उसको बोला कि भाई अपना तो कुछ बताओ। तो जो रिमर था वो सच्चा बंदा था, सच बोलता था, उसने क्लियरली बोल दिया कि ही इज बेसिकली फ्रॉम चोर कैटेगरी, जस्ट समझने के लिए। तो ट्रिक का पॉइंट क्या है? रिमर टाइमन से हमने क्या बना लिया कि रिमर नाम के बंदे ने टाइमैन से बोला। अब इस बोला में बहुत सारी चीजें, बी से हमने क्या ले लिया? फिर से बहन जी, और ऑल वर्ड है तो अल्कोहल, तो अगेन हमारा रिएक्टेंट क्या हो गया? एक बेंजीन पे OH लगा दो, डेट इज फिनॉल एक्चुअली, राइट। तो बोला ही इज बेसिकली फ्रॉम, तो बेसिक बेस लेना आपको, तो ये ले लिया। कल्ली फ्रॉम मतलब क्लोरोफॉर्म, कल्ली फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना आपको। तो समझ में आ गया रिएक्टेंट कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुआ, कि रिमर नाम के बंदे ने टाई मैन से बोला, टाई बनाने वाले से बोला, बोला में ही आपका एक रिएक्टेंट है, एंड बेसिकली फ्रॉम में दूसरा रिएजेंट है, NOH बेस लेना है और क्लोरोफॉर्म लेना है। क्या बोला? चोर कैटेगरी, चोर में भी नाम छुपा हुआ है। कैसे? देखो CHO तो मतलब अल्डिहाइड आपको लगाना, और कहाँ पे? OR मतलब ऑर्थो पोजिशन पे। तो अगेन भाई, फिनॉल लिया, बेस लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, तो आपको क्या कर देना? ऑर्थो पे CHO अल्डिहाइड ले आना, जिसका नाम हो जाएगा 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, आयुपैक नेमिंग, और प्यार से इसको बुलाएंगे हम सैलिसाइलल्डिहाइड। नेक्स्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे ट्रिक का जो पॉइंट है उसमें ऐसा है कि विलियमसन जो है एक रोने वाला बच्चा है, तो उसको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनो, विलियमसन RX 100 जो आने वाली बाइक है, RX 100 बाइक के लिए रोना ना इधर। तो पॉइंट क्या है ट्रिक का? विलियमसन RX 100 बाइक के लिए रोना ना इधर। और कैसे कनेक्ट किया? ध्यान से देखो, RX मतलब आपको एल्काइल हैलाइड लेना है,
और 100 में पहले क्या 1 to 1 degree लेना है आपको, RX एल्काइल हैलाइड 1 degree लेना है, रोना मतलब सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं तो RO-Na+ राइट, अल्कोहल में बेस डाल देंगे तो ये बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से, तो RX 100 बाइक के लिए रोना ना क्यों लिखा, ना ना मतलब कि ये सोडियम और ये हेलोजन का H लिया हमने तो वैसे ना NaX बन जाएगा, और इधर इधर का मतलब ईथर आपको क्या बन जाएगा RO-Na+ ईथर बन जाएगा, ईथर विल बी द प्रोडक्ट। तो ट्रिक का पॉइंट बहुत ईजी है, विलियमसन RX 100 बाइक के लिए रोना ना इधर। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि BIP या VIP जो बड़े लोग होते हैं राइट, BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, क्वेश्चन मार्क है कि आप बोल रहे हो BIP के लोगों से, BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, बोलो AC में, डैट मीन्स वो लोग AC में बैठे हुए हैं फिर भी हाइपर हो रहे हैं राइट, तो उसी से कनेक्ट किया कि BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, बोलो AC में, मतलब क्या है BIP मतलब B से हो गया आपका बेंजीन या V से हो गया बहनजी, समझ गए, बट IP मतलब आइसोप्रोपाइल, तो बेंजीन पे क्या लेना है आपको, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ले लेना है, तो यहाँ से कनेक्ट किया BIP या VIP राइट, BIP के लोगों में 2 O आ रहा है राइट, तो ऑक्सीजन लेना है, एयर ऑक्सीडेशन होता है इसका, तो BIP के लोगो क्यों मतलब यहाँ पे क्यूमीन है, और हाइपर मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, पहले मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, तो BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, मतलब आपको H+H2O वाटर लेना है राइट, हो बोलो, बोलो में B फॉर अगेन बहनजी बेंजीन और ओल तो OH अल्कोहल का ऑल वर्ड, तो फिनॉल आपको लेना है, और बोलो AC मतलब एसीटोन और आपको एसीटोन मिल जाएगा, डैट मीन्स क्या करना है आपको, ये जो दो मिथाइल ग्रुप है ये आपका CH3 सी डबल बॉन्डों के साथ निकल जाएगा और ये H और O फिनॉल के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपल है BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, बोलो AC में, तो सबको कनेक्ट कर दिया हमने, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट डोज प्रोसेस राइट, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, डोज कल भी टाइम पास बस फोन पर ही किया, तो देखो कैसे कनेक्ट किया है, डोज नाम का बंदा कल मतलब क्लोरीन राइट, Cl से बना लिया कल, भी तो B से ले लिया बहनजी बेंजीन राइट, कल भी टाइम पास मतलब T से टेम्परेचर P से प्रेशर टाइम पास, बस मतलब बेस से ले लिया बस, फोन मतलब PHO-Na+ तो उससे बना लिया फोन, पर ही मतलब H+ किया, तो देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कि कल भी मतलब बेंजीन, तो बेंजीन पे Cl लगा दिया क्लोरो बेंजीन, और उसका क्या लेना बेस बस वाला जो पार्ट है, टाइम पास मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना आपको राइट, T फॉर टेम्परेचर P फॉर प्रेशर, फोन तो ध्यान से देखो PHO इसको PH बोलते हैं O-N फोन, पर ही क्या मतलब H+ देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, तो यू नो आज के ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा टाइम पास तो फ़ोन पे ही करते हैं राइट, बट आप मत करना क्योंकि आपको निकालना है नीट या JEE। नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन राइट, तो इसके लिए राइमिंग वर्ड क्या है, ट्रिक का पॉइंट क्या है, इधर BMC वाले एक और पुराना AC लगाए, पॉइंट क्या है ट्रिक का कि इधर BMC वाले एक और पुराना AC लगाए, इस राइमिंग वर्ड से याद रख सकते हैं कैसे, देखो इधर मतलब ईथर लेना है, B मतलब बेंजीन और MC मतलब मिथाइल क्लोराइड, वाले में AL आला AL से AlCl3, एक एनहाइड्रस में एनवर्ड उससे एक या फिर एल्काइल से एक, और मतलब ऑर्थो पुराना मतलब पैरा, AC मतलब एसीटाइल ग्रुप लगाना है आपको, कहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ध्यान से देखो मुझे क्या लेना है बेंजीन तो ले लिया, इधर ईथर तो ईथर कर दिया, क्या करना है मिथाइल क्लोराइड तो BMC मिथाइल क्लोराइड ले लिया, और वाले AlCl3 ले लिया एनहाइड्रस ले लिया राइट, तो इसको बोलेंगे अल्काइलेशन, अगर एसीटाइल ग्रुप लेता तो CH3 C डबल बॉन्डों को एसीटाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, तो इसको बोलेंगे असाइलेशन, तो ये लिया, तो आपको क्या करना है ऑर्थो पैरा पे और पुराना, तो ऑर्थो पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हो या फिर पैरा पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हो, तो और पुराना AC मतलब यहाँ पे वही एसीटाइल ग्रुप ये वाले
एसिटाइल ग्रुप आपको लगा देना है तो असाइलेशन हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो एल्काइलेशन। कौन माइनर होगा कौन मेजर होगा तो ये भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। पुरानी चीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पुराना जो होगा पैरा वाला वो मेजर होगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना नहीं होता कि सब नया ही खरीदे, इसीलिए ऑर्थो माइनर होगा। ऑर्थो तभी मेजर होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आई होप ये अल्कोहल फिनॉल और ईथर का नेम रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इस सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए ट्रिक लेके आऊँगा, आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।